नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे हम लोग स्टूडियो बैकग्राउंड के साथ हम लोग कैसे किसी फ़ोटो को सेट करते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं या स्टूडियोज़ जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे बैकग्राउंड आपको दिखाई देता होगा। इस तरह के इस टाइप के बैकग्राउंड आपको स्टूडियो के अंदर मिल जाएगा, तो उसके सामने हम लोग खड़े होकर फ़ोटो निकलवाते हैं। तो इस तरह का बैकग्राउंड के साथ हम लोग कैसे फ़ोटो को सेट करते हैं, मैं आपको बताऊँगा फ़ोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बैकग्राउंड दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एक बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, एक बहुत ही खूबसूरत सा बैकग्राउंड है। और फाइनली जब हम लोग इसे फ़ोटोशॉप में उसके साथ एक फ़ोटो को देखिए, यहाँ पे मैंने एक कपल का फ़ोटो को इस बैकग्राउंड के साथ कैसे सेट किया है। तो हम लोग किसी भी बैकग्राउंड फ़ोटो स्टूडियोज़ का जो बैकग्राउंड रहता है उसके साथ फ़ोटो को कैसे सेट करते हैं, ये हम लोग एडोबी फ़ोटोशॉप में सीखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप एडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन कर लें। ये मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी फ़ोटोशॉप के किसी भी वर्सन में बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना एडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन कर लें। यहाँ फाइल में जाएँ, उसके बाद न्यू में जाएँगे। जाने के बाद न्यू का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर आप नेम का जो बॉक्स है कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर स्टूडियो फ़ोटो दे देता हूँ, लिख देता हूँ, एक नॉर्मल सा नाम देते स्टूडियो फ़ोटो। उसके बाद यहाँ प्रीसेट साइज़ है, तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप साइज़ ले सकते हैं। मैंने A4 का साइज़ लिया, रेजोल्यूशन 300 रखा, मोड RGB रखा और कंटेंट जो बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट रखा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए, स्टूडियो फ़ोटो नाम से मैंने एक पेज यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब दूसरा हमें काम करना होगा, वो फ़ोटो लेकर आना होगा, स्टूडियो बैकग्राउंड का फ़ोटो। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जहाँ भी आपने वो फ़ोटो रखा हुआ है, ये जो बैकग्राउंड का फ़ोटो मेरे पास जो है वो मैंने स्टूडियो से लिया हुआ है। तो आप आपके आसपास जो भी फ़ोटो स्टूडियोज़ हैं वहाँ पे आप जाके उस फ़ोटो को कलेक्ट कर सकते हैं, मिल जाएगी, ईज़िली अवेलेबल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर देखिए न्यू फोल्डर के अंदर ये देखिए बहुत सारे आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा। तो ये नॉर्मल सा मैं एक इस स्टूडियो बैकग्राउंड के फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ओपन पे क्लिक करूँगा। ये मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद तो जो भी फ़ोटो हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर लेकर आते हैं तो वो अलग से एक विंडो में खुलता है। यहाँ देखिए JPG फॉर्मेट में ये फ़ोटो है। अब इस फ़ोटो को मैं अपने पेज पे ले जाऊँगा। तो नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी फ़ोटो को अपने पेज में ले जाने के लिए क्या करेंगे, फ़ोटो के ऊपर माउस पॉइंटर रखिए और क्लिक कीजिए, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ड्रैग करते हुए अपने पेज पर लेके चले जाएँ। तो यहाँ देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ गया, इस पेज पे आ गया। अब क्या है, इस फ़ोटो को ज़रा एडजस्ट करना होता है। तो फ़ोटो को एडजस्ट हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ ऊपर भी खाली जगह है प्लस नीचे भी खाली जगह आपको दिख रहा होगा। अब इस फ़ोटो को हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये जो टूल बॉक्स में जो पहला टूल है यहाँ दिख सकते हैं, मूव टूल है, तो इसको क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही मूव टूल पर क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए उसका प्रॉपर्टी बार शो कर रहा है। यहाँ देखिए शो बाउंडिंग बॉक्स, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे टिक मार्क आ जाएगा और देखेंगे फ़ोटो के देखिए चारों तरफ छोटा छोटा आपको बिंदु दिखाई देगा, आउटलाइन दिखाई देगा और कॉर्नर पोर्शन में आपको एक वाइट रंग का स्क्वायर बॉक्स दिखाई देगा। उसको आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए, उसे फ़ोटो को इस तरह आप एडजस्ट इस तरह उसको छोटा बड़ा फ़ोटो को अपने फ़ोटो इस पेज के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। जब एडजस्ट हो जाएगा ये फ़ोटो देखिए सेट हो गया। करने के बाद उसके बाद मूव टूल पर अगेन दोबारा क्लिक कीजिए, उसके बाद अप्लाई टू ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर दीजिए। मतलब जो आपने रिसाइज किया है इस फ़ोटो को, बैकग्राउंड को, वो अप्लाई करना होगा। उसके बाद ये तो ऑलरेडी ये फ़ोटो यहाँ पे इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पेज पे ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। अब इस बैकग्राउंड के साथ मुझे वो फ़ोटो लेकर आना होगा जिस फ़ोटो को मैं इस बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन पर क्लिक करूँगा। अब ओपन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब ये मैं डेस्कटॉप पे फ़ोटो है मेरा, मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे ये
इसमें मैं ओपन करता हूँ, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, नॉर्मल सा फ़ोटो मैं लेकर आता हूँ। ये देखिए ये फ़ोटो है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद ओपन पे क्लिक किया, उसके बाद ओके। अब ये देखिए अलग सा एक विंडो में यहाँ पे फ़ोटो देखिए यहाँ पे आ गया। ये देखिए अलग सा विंडो में यहाँ पे KD011.JPG फॉर्मेट में फ़ोटो आ गया। अब इस फ़ोटो को मुझे इस बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट करना है। तो नॉर्मली जितने भी फ़ोटो हम लोग लेकर आते हैं वो अलग अलग विंडो में ऐसे ओपन होता है, देख सकते हैं इस तरह का अलग अलग विंडो ओपन होता है। तो इस फ़ोटो को थोड़ा सा मुझे मैं जूम करना होगा ताकि इसे सिलेक्ट करके कॉपी या काटने में आसानी होगा। तो इस फ़ोटो को जिस विंडो में आप फ़ोटो को लेकर आते हैं उसको ये जो बटन है मैक्सिमाइज के, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अलग सा, देखिए विंडो सिर्फ ये फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए जूम टूल है, इस पर क्लिक कीजिए और फ़ोटो पे क्लिक करना होगा। ये फ़ोटो पे क्लिक किया, थोड़ा सा देखिए जूम टूल पे क्लिक किया, फ़ोटो को तो लार्ज हो गया। देखिए अब इसे सिलेक्ट करना होगा, फ़ोटो को कॉपी करेंगे चाहे कट करके ले जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे देखेंगे ये जो टूल है, एक दो तीसरा वाला, इसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे। लैसो टूल है, पॉलीगन लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल, ये तीन लैसो टूल है अलग अलग नाम से, लैसो टूल है, पॉलीगन लैसो टूल है, मैग्नेटिक लैसो टूल। ये सिलेक्शन करने के लिए काम आता है, कॉपी फ़ोटो वगैरह काटने के लिए इसे सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला टूल है, इस पर अगर ये टूल नहीं है यहाँ पे तो इसे क्लिक करके रखिएगा, तो ये टूल, ये तीन टूल उभर कर आ जाएगा। यहाँ पॉलीगन लैसो टूल पर क्लिक कीजिए, करने के बाद ये जो फ़ोटो है इस फ़ोटो को मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना हो, कहीं से भी फ़ोटो के किनारे पोर्शन पर माउस पॉइंटर रखिए और इस तरह क्लिक करके इसे अच्छी तरह से सिलेक्ट करते जाइए इस तरह। और सिलेक्ट करने का भी ये जो हल्का हल्का जहाँ पे टर्निंग है वहाँ पे नोड आएगा इस तरह। अगर गलती से भी मान लीजिए आप थोड़ा सा कहीं इधर उधर क्लिक कर दिया, तो आप इसे कीबोर्ड पे अपने बैक स्पेस प्रेस कीजिए, कीबोर्ड पे ठीक इंटर के ऊपर देखिएगा एक बैक स्पेस की है, उसे आप प्रेस कीजिएगा तो ये जो गलती से इधर उधर आपने क्लिक कर दिया वो डिलीट हो जाएगा। तो ये नॉर्मली से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह आपको क्लिक करना होगा, ये क्लिक करना होगा। थोड़ा जल्दी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और फ़ोटो को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे काटते हैं, इस रिलेटेड अगर ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो प्लीज़ उसके बाद स्पेस बार टिपूँगा, ये हैंड टूल आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसे मैं इस तरह सिलेक्ट करते जाइए, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फ़ोटो को। थोड़ा बारीकी से आपको आउटलाइन को सिलेक्ट करना होगा, ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। जैसे यहाँ गलती हो गया तो बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तो ये मैं यहाँ से थोड़ा अच्छी तरह से इसे सिलेक्ट कर दूंगा। अभी भी देखिए यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ देखिए अचानक सिलेक्ट हो गया। तो इसको अगर ठीक कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो टूल है ये देखिए, ये जो टूल है पॉलीगन लैसो टूल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर उसका प्रॉपर्टी बार शो करें, ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक कर दिया और थोड़ा सा यहाँ पर जो रह गया स्पेस तरह मैं क्लिक कर दूँगा, इसके साथ इसे मैं एडजस्ट कर दूँगा। ये देखिए एडजस्ट हो गया, ये देखिए पूरा का पूरा। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसे मैं इस तरह सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट में जाइए, यहाँ मेन्यू बार में सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फेदर, आप फेदर नहीं भी करेंगे फेदर सिलेक्शन का तो भी चलेगा। तो यहाँ पर फेदर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर थ्री कर देता हूँ, थ्री पिक्सल, उसके बाद ओके ओके पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मेन्यू बार में एडिट में जाइए, उसके बाद आप चाहें तो इसे कट करें या तो कॉपी, मैं कॉपी करूँगा ताकि ओरिजिनल यहाँ से कटे नहीं, तो यहाँ पे कॉपी कर लिया, इस फ़ोटो को मैं कॉपी कर लूँगा। करने के बाद अब दूसरा क्या काम करना होगा, ये कॉपी हो गया, उसके बाद ऊपर देखेंगे राइट हैंड साइड में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के, यहाँ पे देखिए ये एक अलग सा विंडो है, ये अलग सा है। तो ये जो खुला हुआ है, ये विंडो पूरा खुला हुआ है, इस फ़ोटो का विंडो है। तो इसे क्या करेंगे, रीस्टोर कर देंगे। रीस्टोर करेंगे तो बाकी जो पीछे जो बैकग्राउंड का मेरा विंडो था वो आपको दिखने लगेगा। उसके बाद अपने जो स्टूडियो फ़ोटो नाम से मैंने ये पेज लिया था उस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, एडिट में जाऊंगा, उसके बाद इसे पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोटो आ गया, ये देखिए ये फ़ोटो था, यहाँ पे मैंने इसे ले आया। लाने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये जो फ़ोटो यहाँ पे आया हुआ देखिए बीच में अभी भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड अभी भी दिख रहा है इस जगह पर, देखिए ठीक तरह से कि ये बैकग्राउंड अभी हटा नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए, ये जो थोड़ा सा इस फ़ोटो को मैं थोड़ा सा इस तरह लार्ज कर देता हूँ, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से, ये देखिए इसको मूव टूल पे क्लिक करूँगा, ये
ये जो बाउंडिंग बॉक्स है इसे हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मूव टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ऊपर जो शो बाउंडिंग बॉक्स का ये जो चेक किया हुआ है इसे ऑफ कर दीजिए, तो लाइन चला जाएगा। अभी देखिए इस पोर्शन में, देखिए अभी भी ये देखिए आपको यहाँ पे पीछे पोर्शन इस फोटो के साथ ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो आप ये जो टूल है मैजिक वन टूल इस पर क्लिक कीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए, तो देखिए ये सब भी सिलेक्ट हो जा रहा है। तो इससे नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट में जाऊँगा, डी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसे अच्छी तरह से ये जो टूल है पॉलीगन लैसो टूल इस पर क्लिक कीजिए और इस फोटो को इस तरह बारीकी से आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पे आप इस तरह, मैं इसे हल्का सा सिलेक्ट करूँगा इस तरह, ये 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 मैंने सिलेक्ट किया इस तरह सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कीबोर्ड में डिलीट प्रेस कर दूँगा, देखिए यहाँ से ये बैकग्राउंड यहाँ से चला गया। उसके बाद ये जो सिलेक्शन है इसे कैसे हटाते हैं, सिलेक्ट में जाइए, डी सिलेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। और अब अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे इस फोटो को, तो ध्यान से देखिए अभी भी देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि सही तरीका से कटा हुआ नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, ये जो टूल है मैजिक वन टूल इस पर क्लिक कीजिए और हल्का सा आप उस जगह पे क्लिक कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेम कलर मैजिक वन टूल से सेम कलर सिलेक्ट होता है, और कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस कर दीजिए। उसके बाद सिलेक्ट में जाइए, इसे डी सिलेक्ट कर दिए, देखिए यहाँ पर ठीक हो गया। चाहे जिस जगह पर थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर भी जूम टूल थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ मैं, ये देखिए अभी भी देखिए सर की इस जगह पे आपको लगता है, देखिए हल्का सा आपको दिख रहा है बैकग्राउंड आया हुआ है, तो ये मैजिक वन टूल पे क्लिक कीजिए, उसको ठीक यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए उसके बाद डिलीट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ भी है, इसे आप इस तरह डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर देखिए साड़ी के इस जगह पर भी आपको हल्का सा दिखाई दे रहा, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा, देखिए हल्का सा इसका आउटलाइन, ये देखिए यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, हो गया। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको लगता है यहाँ पे भी है, इस जगह कंधे पे भी है, तो इस जगह पे आप डिलीट कर सकते हैं, हो गया। साड़ी के इस जगह पे देखिए हल्का सा ये आ गया, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद इसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा जो आउटलाइन बचा हुआ है उसे आप डिलीट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट में जाकर डिसलेक्ट कर देंगे। अब दूसरा जो आपको काम करना है वो ये है कि ताकि ये बैकग्राउंड के साथ ये फ़ोटो ऐसा नहीं लगे कटा हुआ है या कॉपी किया हुआ, तो इसको थोड़ा सा आउटलाइन को इसके साथ डिजॉल्व करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाइए और ये जो टूल है इसे हम लोग बोलते हैं ब्लर टूल, ये ठीक इरेजर टूल के ठीक नीचे इस पर क्लिक करके रखिए, ब्लर टूल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस फोटो के किनारे पोर्शन में हल्का हल्का इस तरह आप ड्रैग कर दीजिए, इससे क्या होगा आउटलाइन जो है किनारा पोर्शन है इस तरह आप ड्रैग कीजिए हल्का हल्का, ताकि ये फील नहीं हो कि ये कटा हुआ है। इस क्या होगा, इस फोटो हल्का सा बैकग्राउंड के साथ मिक्स होने लगे, मिक्स हो जाएगा किनारे पोर्शन हल्का सा। तो याद रखिए ब्लर टूल का स्ट्रेंथ हमेशा 100% रखिए, हल्का सा इसे आप किनारे पोर्शन पे इस तरह मूव करेंगे, देखिए हल्का सा आपको दिख रहा होगा, देखिए मिक्स हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए किनारे पोर्शन मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इस फोटो को थोड़ा सा मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ, ये जूम इन हो रहा है, जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए से ये सो बाउंडिंग बॉक्स से मैं इस तरह एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं फिट कर देता हूँ, ये फिट कर दिया, देखिए अप्लाई कर दिया इसे मैं, दिख रहा होगा, ये देखिए से भी थोड़ा सा जूम टूल पे क्लिक करूँगा, फिट ऑन स्क्रीन, ये देखिए फिट हो गया। अब ये देखिए पोर्शन देखिए ध्यान से देखिए, हल्का सा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे, ये देखिए इस जगह पे ठीक से ये सेट नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा सा लार्ज करना है, तो सो बाउंडिंग से थोड़ा सा लार्ज कर दीजिए इस तरह, ये देखिए यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए इस तरह। अब नीचे का पोर्शन अगर ध्यान से देखेंगे अभी भी लग रहा है कि ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन ब्लर टूल पर क्लिक कीजिए, ये ब्लर टूल पर, और ठीक किनारे पोर्शन पे हल्का हल्का इस तरह आप इसे इस तरह आपको रब करना होगा, आपको हल्का हल्का इसे इस तरह आपको इस आउटलाइन को इस तरह आपको रब करना होगा, ताकि ये क्या होगा आउटलाइन बैकग्राउंड के साथ, देखिए अब ध्यान से देखिए आप, ताकि किनारे का पोर्शन जो है वो आपका बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए, देखिए इस तरह हल्का सा आपको इस तरह मूव करना होगा, ध्यान से देखिए इस तरह आपको रब करना होगा ब्लर टूल से, इस फोटो के आउटलाइन को हल्का हल्का इस तरह आप रब कर दीजिए, देखिए जहाँ पे ऐसा नहीं फील होगा जैसे कटा हुआ, हल्का सा मिक्स हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप आउटलाइन को इस तरह आपको रब करना होगा, ठीक है इस तरह आप रब कर दीजिए, ये देखिए इस तरह। अब देखिए ध्यान से फ़ोटो को देखिए, देखिए ध्यान से अब देखिए बैकग्राउंड के साथ ये फ़ोटो कैसे एडजस्ट हो गया, नीचे का पोर्शन को हल्का सा इस तरह रब कर दीजिए, ये देखिए
अब देखिए बैकग्राउंड के साथ ये फ़ोटो कैसे मिक्स हो गया, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए फ़ोटो को, ये देखिए। तो इस तरह आप किसी भी स्टूडियो बैकग्राउंड के साथ आप फ़ोटो को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें, शेयर करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो कम से कम डिसलाइक कीजिए। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एडोबी फोटोशॉप से रिलेटेड आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह हम लोग फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं और भी दिखाऊंगा कि अब बाकी बैकग्राउंड के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।